दोस्तों, अगर आप भी हार्दिक पांड्या से अच्छा कप्तान रोहित शर्मा को मानते हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2024 में हार्दिक पांड्या की घटिया कप्तानी के चलते मुंबई इंडियंस की टीम हुई सबसे पहले बाहर। तो अचानक से रोहित शर्मा की नहीं सुनी जाने पर उन्होंने छोड़ा एमआई टीम का साथ, तो रो पड़ी नीता अंबानी ने अब नया ऑफर देकर जोड़े उनके आगे हाथ और जो कहा वो सुनने के बाद पूरा भारत देश कर रहा है सलाम। तो दोस्तों, आखिर अपनी टीम से बाहर जाता देख रोहित शर्मा को नीता अंबानी के आंसू निकल गए और उन्होंने अब रोहित शर्मा से बड़ी मांग करते हुए करोड़ों का ऑफर देकर जो कहा है ना वो सुनने के बाद आप भी सलाम ठोके बिना रह नहीं पाओगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या में से कौन अच्छा कप्तान है? अपनी कीमती राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप सभी तो जानते हैं कि इस साल का आईपीएल कुछ अलग ही रंग में चला है, जहां एक तरफ रन बटोरते हुए खिलाड़ी नजर आ रहे थे लेकिन दूसरी तरफ जिस टीम से सबसे ज्यादा उम्मीद दर्शकों ने लगा रखी थी वही टीम इस साल आईपीएल के इस रोमांचक मंच पर सबसे पहले बाहर होती हुई नजर आई। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मुंबई इंडियंस टीम की। जब मुंबई की टीम ने इस साल काफी शर्मनाक प्रदर्शन किया, एक समय के लिए तो लग रहा था कि मुंबई कमबैक जरूर करेगी लेकिन हार्दिक पांड्या की खराब कप्तानी इस बार उनको लेट हो गई और यही कारण था कि मुंबई इंडियंस की टीम आईपीएल 2024 में सबसे पहले बाहर होने वाली टीम बनी। वहीं हम आपको बता दें कि मुंबई की टीम अभी अगर पॉइंट टेबल के हिसाब से देखा जाए 11 मैच उन्होंने खेले हैं, 3 मैच इन्होंने जीते हैं, 8 मैचों में इनको हार मिली और शर्मनाक प्रदर्शन इस कदर रहा कि यहां पर नेट रन रेट अगर आप देखोगे तो वो भी माइनस में चल रहा है, जिसके चलते मुंबई इंडियंस की टीम अब किसी भी हाल में आईपीएल 2024 के लिए क्वालिफाई करने के लिए स्टैंड करती ही नहीं है। और दोस्तों, अब यहां रोहित शर्मा कहते कहते थक गए कि मुंबई इंडियंस की फ्रेंचाइजी हार्दिक पांड्या के ऊपर एक्शन ले और वो जो खराब कप्तानी कर रहे हैं, मैदान पर किसी की सुन नहीं रहे हैं, उनकी जगह पर रोहित को दोबारा से कप्तान बनाया जाए। लेकिन दोस्तों, मुंबई इंडियंस ने अपनी ही चलाई और हार्दिक को ही कप्तान बने रहने दिया और खामियाजा आज हम सभी के आगे है और अब रोहित शर्मा इस बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर पाए। जी हां दोस्तों, उन्होंने अब मुंबई इंडियंस का साथ छोड़ने का फैसला कर लिया है। अब रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस के लिए हम सभी को अगले सीजन से नहीं खेलते हुए नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, बचे हुए मुकाबले भी अब रोहित शर्मा कॉल ऑफ करेंगे और अब रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस के टीममेट नहीं रहे हैं और यहां मुंबई इंडियंस की फ्रेंचाइजी जानती है कि रोहित शर्मा का जाना उनकी टीम को बिल्कुल पूरी तरह से ले डूबेगा, क्योंकि दोस्तों मुंबई की टीम को 5 बार अगर किसी कप्तान ने ट्रॉफी दिलाई है तो वो रोहित शर्मा की कप्तानी में है, ना कि हार्दिक पांड्या ने मुंबई के लिए इतना बड़ा योगदान दिया है कि वो ट्रॉफी जिता सके। अब यहां नीता अंबानी खुद सामने निकल कर आई हैं और उन्होंने रोहित को अपनी टीम से दूर ना जाने की हिदायत देते हुए जो कहा वो सुनकर पूरा देश उनको सलाम कर रहा है। जी हां दोस्तों, यहां पर नीता अंबानी कहती हैं कि मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि इस साल के आईपीएल के बाद रोहित इतना बड़ा कदम उठाएंगे। मैं तो सोच रही थी कि अगली साल रोहित हमारी टीम का हिस्सा बनाए रहेंगे और हो सकता है कि अगली साल हार्दिक पांड्या कमबैक करें और अच्छी कप्तानी करके हमारी टीम को वो टॉप 4 में बनाकर रखें, लेकिन रोहित के जाने से हमें काफी बड़ा झटका लगेगा। हम रोहित को अपनी टीम से गंवाना नहीं चाहते, हम जानते हैं कि रोहित का महत्व हमारी टीम में कितना है और अगर रोहित चले गए तो हमारी टीम तो वैसे ही कमजोर हो जाएगी। मैं रोहित को करोड़ों रुपए देने के लिए तैयार हूं, बस वो हमारी टीम में बने रहें और हार्दिक पांड्या को हम बस इसी साल ट्राई कर रहे हैं, अगर हो सका तो हम रोहित को दोबारा से कप्तान बनाने पर भी विचार करेंगे। तो दोस्तों, यहां पर नीता अंबानी ने तो यह बात कहते से ही करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल जीत लिया कि वो अब रोहित शर्मा को दोबारा कप्तान बनाने की मांग सुनने जा रही है। बाकी दोस्तों, यहां पर रोहित शर्मा ने तो फैसला कर लिया है कि वो मुंबई को छोड़कर या तो आरसीबी की टीम में जाएंगे या फिर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम में। बाकी अब आप सभी क्या मानते हैं, क्या रोहित शर्मा को मुंबई का साथ छोड़ देना चाहिए या फिर नहीं, अपनी राय हमें जरूर बताइएगा।